हेलो बच्चों, लव यू। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ की प्रेरणा दीदी के चैनल पे प्रेरणा का न्यू सॉन्ग आ चुका है। ठीक है, तो जो सॉन्ग की अभी तक सिर्फ ऑडियो आई हुई थी इंस्टा पे, और वो सॉन्ग यूट्यूब पे दीदी के खुद के चैनल पे डल गया। तो आपको भी इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार भी पूरा हुआ। और सॉन्ग कैसे लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। और 2-3 दिन से तबीयत फिर से मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी और मन भी अच्छा नहीं था, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो मदर्स डे पे, पहले मैं आपको मदर्स डे की बात बताती हूँ। मेरे दोनों बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया। अंशु भी कुछ करता नहीं है इसलिए उसने नहीं दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ना, मुझे लगा मैंने अंकल दिन में बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चुप रहो, इनको देखती हूँ याद होगा कि नहीं याद होगा। तो मैं गलत निकली, कशिश को याद था, प्रेरणा आ नहीं पाई और कशिश लाई थी मेरे लिए। आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा, पर मैंने सोचा पर्सनली मैं आपको दिखा दूँ। कशिश लाई थी मेरे लिए ये पाजेब, आप लोगों ने देखी है। ठीक है, कशिश मेरे लिए पाजेब लाई और प्रेरणा लेके आई मेरे लिए, सेम डे तो लाई मेरे लिए ये वाली चॉकलेट। ठीक है, और अंशु ने ऐसे ही विश कर दिया था, पुनीत ने भी ऐसे ही विश कर दिया था। पुनीत मेरे लिए केक लाया था, है ना। और फिर पता क्या हुआ, कल मैं इतनी इमोशनल हो गई क्योंकि ना, जब प्रेरणा की मैरिज हुई थी तो वहाँ पे तब एसी नहीं था, तो उसने कल मेरे को ऐसी बात बोल दी, मेरे को इतना वो लगा। तो ना मैंने क्या करा था, मैं आपको बताऊँगी। मतलब मेरे को था कि ये लोग एसी में रहते हैं, तो मैंने ना इसको एसी नहीं है वहाँ पे और वो कैसे सो रही होगी, तो इतनी गर्मी पड़ रही है। जब इसने मार्च में शादी की, तो मैंने ना जब तक 15-20 दिन इसको ना, जब तक मतलब गर्मी में मैंने इसको, मैं पुनीत के घर जा रही हूँ हमेशा के लिए, 2 मिनट में मेरी वीडियो बन गई। वीडियो में ही गाइस, मैं गाइस घर छोड़ के जा रही हूँ मैं, क्योंकि गाइस इस घर में मेरे को लोगों से खतरा है। मम्मी टीवी देख रही थी, देखो टीवी पर रिमोट छीन ले घुस जाए। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सीरियसली बता रही थी कुछ बात। तो मैंने ना उतने दिन ना एसी ऑन नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा प्रेरणा ऐसे ही सो रही है। थैंक यू यार वीडियो में। और पता है कल क्या हुआ, और नोना ना गर्मी मानती है बहुत, क्योंकि बिना एसी गिन जाती है। और अभी थोड़ा सा ना बजट, चल प्लीज 350 वाली चॉकलेट का है, नोना आ गई जा, नोना को ले पहले रख दे थोड़ा सा इसको गर्म में, आ गई वो आ गई। तो फिर प्रेरणा ने कल क्या करा कि उसकी इतनी लंबी उम्र है, मेरे को आवाज़ आई है गाड़ी की, वो आई जा। तो क्या करा मैंने, वो देखो आई है, इतनी लंबी उम्र है नोना की, देखो चॉकलेट ला अपने लिए, देना वो भी मेरी है। गुड डे नोना, अब तू देख, अब तू देख, अब तुझे ऐसा मारूंगी। पहले मैं इस बात को रोकती हूं, एक बात बताती हूं, आप लोगों ने मेरे वीडियो में टाइम के समय इतना दिखाती हूं, आपने देखा है कि नोना सुबह 5:30-6 बजे सोती है, 5 बजे के बाद सोती है। और कल इसने कमाल कर दिया, ये प्रेरणा के आदि उसने टाइम दिखाया, वो 12:30 बजे सो गई, फिर 4 बजे एक बार दूध पीने के लिए उठी, वो भी 6 मिनट के अंदर, और फिर दूध पी के फिर सो गई। तो मुझे लगता है ये हमसे ही करती है, सिर्फ हमको ही तंग करती है। एक महीने तक इसकी हैबिट सुधारना, पूरा दिन इसने तंग करा। मम्मी इसकी ना एक बार देखना, आँख सूज रही है, मच्छर ने काटा या फिर इसकी आँख आ रही है, ये देखो। तो ये मुझे पिटेगी, सब चले जाओ यहाँ से, मैं आपको अभी हमारे खून पी थी, ये पता ही है, हमें ही तंग करने को करती है, मुझे लग रहा है कल पता लगे वो उसको 12 बजे सो गई, क्या पता दवाई ने मारे सो गई है, दवाई पकड़े पकड़े। और पता है तो तुम भी देते हो, ऐसा थोड़ी है, नहीं तो हम कल ही तो लाए, हमने रात को दवाई नहीं दी, पहली बार मैंने रात को दवाई नहीं दी, मैंने सुबह दवाई दे के ही तो भेजी थी, और अभी 2 घंटे सो के आई है। दवाई दी है तूने? हाँ सुबह दी थी, रात वाली तू नहीं दी, रात वाली पता सोती कैसे, जैसे मैं सोती थी वैसे सोती थी। देखो घर की वार्तालाप भी आपको दिखा दी। तो मैं आपको मेन बात बता दूं, तो फिर मदर डे के नेक्स्ट डे तो प्रेरणा को लगा कि नोना भी ऐसी सोती है, और बोल रही मम्मी आज मैंने भी सुबह से नहीं चलाया, बच्चा सूखा हो गया। और प्रेरणा मेरे लिए मदर डे पे प्रेरणा मम्मी मेरे लिए लेके आ गए एसी गिफ्ट में, कि मम्मी समझ लो मदर डे का। तो पुनीत ने केक दिया, प्रेरणा और मम्मी ने चॉकलेट और गुन्नू ने वो दे दी, नहीं है और प्रेरणा लाई मेरे लिए एसी, दिखा भाई बैक कैमरा से, हाँ मेरा मदर डे का गिफ्ट है। तो प्रेरणा ने मदर डे, मम्मी ये नोना के पैर में से निकला है, तो प्रेरणा ने दिया मुझे एसी, देखा मेरा गिफ्ट। और जो है एक सिर्फ मैंने आपको बता रखा है, मैं सारे ब्लॉग्स पे कमेंट पढ़ती हूँ सबके, पुनीत के, पम्मी के और प्रेरणा के, कशिश के, इवन पम्मी के भाई भी डालते हैं ब्लॉग नवीन देता, तो उस पर भी मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं मेरे दिमाग में, पर मैं नहीं देती, बस मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, मैं देखती हूँ, मुझे लगता नहीं जरूरी कि कई सारे ब्लॉगों पर आता है प्रेरणा के लिए महारानी महारानी करके, तो मैं सिर्फ एक जवाब दूंगी। जब इसका बॉर्न हुआ था ना, तो मैं वैसे ये पूजा पाठ और पंडितों में ज़्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन ना मैंने 2-3-4-5 जगह दिखाया,
तो उसमें ना पंडित ने ये बोला कि प्रेरणा जो है ना, पुनीत क्या कर रहा है यार, शोर हो रहा है ना, तो उसमें क्या कि ना ये बताया, प्रेरणा और आप पप्पी हम दोनों के किस्मत में राजयोग नहीं, तो मैं आपको बता दूं, पम्मी का तो मुझे पता नहीं, मैंने दिखाई नहीं है उसकी कुंडली वुंडली, तो प्रेरणा को जो मैंने दिखाया तो मैं आपको बता दूं कि ना मैं विश्वास नहीं करती थी, तो ना हमेशा से ही मैं आपको सीरियसली बताऊं कि पंडितों ने मेरे लिए ये बताया था कि प्रेरणा जो है ना अपने घर के लिए इतनी लकी नहीं है, मतलब कि अपने मायके के लिए, मतलब अपने माँ बाप के लिए इतनी लकी नहीं है, इवन वो जिस किसी हर किसी के लिए लकी है, मतलब हमारे लिए नहीं रहेगी ऐसा, तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया था, ठीक है, मतलब कि कहीं भी जाएगी मिट्टी में भी हाथ डालेगी सोना हो जाएगा, और इसको ना जो है इसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, तो आप लोग बहुत अच्छा नाम देते हो महारानी। और रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट की, तो मैं आपको ये भी बता दूँ, आप जब कमेंट करते हो आप खुद ही नहीं सोचते नेगेटिव, उसका मतलब ही नेगेटिव है, तो आप करके अपना दिमाग क्यों खराब करते हो, नेगेटिव कोई चीज़ हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो जब उसका पहले ही आपको मीनिंग पता है कि नेगेटिव मतलब गलत है, तो फिर आप खुद को गलत साबित क्यों करते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप जो ये महारानी वाला वर्ड देते हो तो थैंक यू जो भी प्रेरणा को बोलता है, क्योंकि उसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, तो मैं अब इस बात को ट्रस्ट करती हूँ कि हाँ उसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, इसलिए आप लोग महारानी महारानी कहते हो तो मुझे और अच्छा लगता है। और दूसरी बात क्या, एक चीज़ आपको और बता दूं, अभी तक मैंने ये बताई नहीं, इसकी कुंडली में ये भी बोला गया कि ये जो है, ये सभी ने बोला था सात समुंदर पार जाएगी, अब पता नहीं कब जाएगी, अभी जाएगी, दो साल बाद जाएगी, पाँच साल, ये भी उन्हीं चारों पाँचों जहाँ भी मैंने कुंडली दिखाई है वहाँ पे बताया गया, अब ये मुझे नहीं पता कैसे जाएगी, तो सात समुंदर पार जाना है, अब कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता कि सात समुंदर पार कहाँ जाना है, ये बोला गया था, और कब जाना है ये भी मुझे नहीं पता। और एक चीज का ध्यान सिर्फ प्रेरणा को रखना होगा, और आप लोग मोटिवेट करते रहना, उन्होंने बोला था कि दो रास्ते होंगे, एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता, सिर्फ जब ये जाएगी तो रास्ता चुनना ही से होगा, तो जहाँ तक डायरेक्शन पे मैं देख रही हूँ तो वो डायरेक्शन सही रास्ते की तरफ है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि महारानी का, बाकी मैं कमेंट देखती हूँ, मन तो करता है बाकी बहुत सख्त जवाब देने का, लेकिन मैं देती नहीं हूँ, तो थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए, सॉन्ग को भी आपने बहुत ही प्यार दिया, वीडियो पहले आपने ऑडियो देख ली थी, वीडियो भी देख लिए, सॉन्ग कैसा लगा अभी भाई फर्स्ट बार कर रही है तो थोड़ा सा वो लग रहा था, और नोना के बाल हो गए हैं बहुत बड़े, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, नोना पढ़ रही है एबीसीडी, तो मैं आपको बताया कि प्रेरणा का, और अंशु अभी कमाता नहीं है, जब कमाएगा तो मदर्स डे का वो भी गिफ्ट देगा, उसने मुझे फ्री में चुपचाप से विश कर दिया था, बस कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, और सबके गिफ्ट में सबसे अच्छा गिफ्ट आपको किसका लगा ये भी कमेंट करके बताना, और जो है नेगेटिव कमेंट कम से कम करा करो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप मत करा करो, क्योंकि प्रेरणा ना नेगेटिव कमेंट्स को लेकर बहुत अपसेट हो जाती है, इसको भी मैं ये समझाती हूँ, जिस चीज़ का मतलब ही नेगेटिव है तो उसको तो सीरियस लेती ही हूँ, वो पहले बाय बाय टाटा लव यू थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं आपको बता दूँ, तो आप लोग ध्यान रखा करें, सॉन्ग को अच्छे से देख रहे हैं आप लोग, शेयर करें जिनके पास भी नहीं पहुँचा है, और सॉन्ग कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा, कैमरा मैन जी वीडियो ज़्यादा तो नहीं हो गया है, तो आपको आपके महारानी वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और एसी को लेके घर में सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने दिन बाद, मतलब काफ़ी दिन स्पेस रह गया था, गर्मी बहुत लग रही थी, मतलब ना मेरा भी हेल्दी शरीर है तो जिस तरफ सो रही थी वहीं पे पसीने आ जा रहे थे, और हमारे साथ साथ कोमल भी बहुत खुश है, क्योंकि सोच रही है अभी ये भी भाई ये भी एसी में सो रही, इसे भी जल्दी लगी, हाँ नीचे में क्या, कमरा तो पूरा ही ठंडा होता है ना, नीचे फर्श पे सोती थी, ये देखो कह रही है एसी के नीचे रहोगे, एसी पूरे रूम को ठंडा करता है, एसी के सामने सोने से कोई फर्क नहीं होता, तो हाँ पिछली बार तो तू नहीं सोई थी ना, पिछली बार तक तू नहीं सोती थी, आजकल अब स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, और आप सब लोग स्कूल में की छुट्टियाँ मनाने कहाँ जा रहे हो, कहाँ एंजॉय करने जा रहे हो, कौन अपनी नानी मामा के यहाँ जा रहा है, कौन मौसी के यहाँ जा रहा है, कौन अपनी बुआ के यहाँ जा रहा है, कौन अपनी दादी के यहाँ जा रहा है, तो कमेंट करके बताना, और आप लोगों का गाँव कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जा रहे हो, गाँव शहर या सिटी जहाँ भी जा रहे हो तो बताना, हम तो इवन कहीं नहीं जा रहे क्योंकि ना गर्मियाँ बहुत हैं, और ना अभी 5-6 दिन से ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, कुछ ज़्यादा तेज़ गर्मी 5-6 दिन से ही पड़ रही है, तो देखते हैं, कहीं बच्चे बोल रहे हैं खैर मैं नहीं जाऊँगी, मैं और नोना नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, नोना को भी प्रॉब्लम होती है मुझे भी, और 2-3 दिन से क्या हो रहा था, मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाए थे, मैं आपको बता दूँ, मेरा ये पूरा फेस ना, ये पूरी आईज और ये सब पूरा सॉइलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा, अब
दवाई ली है तो ठीक है पहले से। और इस वाली वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू। तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके अगर कुछ रीजनेबल ठीक से क्वेश्चन हो ना तो मैं उनका आंसर दूंगी। आप बहुत सारे कमेंटों में पढ़ती हूँ, बहुत ख़राब ख़राब क्वेश्चन करते हो ना तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन क्या जो आप कमेंट करते हो, मैं सोचती हूँ आंसर देने की पर मैं दे नहीं पाती। तो एक तो आपके महारानी वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोग तो बोलते हो गलत वे में, लेकिन आपको ये बता दूं कि प्रेरणा ही बोलेंगे ना बच्चे, हाँ प्रेरणा शी इज़ डिज़र्व इट, वो डिज़र्व करती है इसलिए वो महारानी है, ठीक है। और उसकी राजयोग लिखा ही हुआ है, पहले मैं नहीं मानती थी, अब मैं उसकी हरकतों को देख के मानती हूँ। और ऐसा नहीं है, काम वो भी करती है, कपड़े भी धोती है, खाना भी बनाती है, सारी चीज़ करती है। और मैं कर लूँ नोना से बात, क्योंकि ये हमें ऐसा करती है। तो चलो इससे बात कर लूँ, मिल लूँ, मैं मिली भी नहीं हूँ। टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।